यस चलिए जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग, फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ जल्दी से. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कौन कौन है? ऋषभ, विनीता, प्रगति, ऋतिक. क्या कॉफी पियोगे क्या तुम लोग? क्या ये तो बच्चों ने लाके दी बेटा, मैंने नहीं, बच्चों ने लाके दिए बेटा ऐसे. इट्स ओके ना, तो ये पी लो ना. कहाँ चले आप सर? कहाँ चले आप मतलब क्या? यही तो है बेटा, कहाँ जाएंगे सर? आपने टाइम वैल्यू मनी क्यों नहीं कंप्लीट किया? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीसा जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम वैल्यू मनी के चार रिवीजन लेक्चर की लिंक देके रखी है, तो बेटा उसको प्लीज कंप्लीट करोगे बेटा, ठीक है ना? आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. नित्या कौन कौन आ गया? देवेंद्र, सिमरन, संदीप, कैफ खान, सुहालनी, सोहेल, सोहेल, तुषार, प्रगति, हेमंत यादव, और कौन कौन है? फटाफट जल्दी से अटेंडेंस दे दो, लाइक करके अटेंडेंस दे दो, फटाफट लाइक करो और अटेंडेंस दो. यस सारिका, हेमंत, हर्ष, ज्योति, हर्ष, ज्योति, और कौन कौन है भाई? गौरव जी, हाँ, तुषार, संजना, शोभित, आर्या भट्ट, आर्या भारती, नेहा, लाइक करके अटेंडेंस. हाँ जी, कौन? घनन, कनक, कनक है क्या ये पूछ रहा है साहिल? पहली बेंच पे बैठा है. हाँ, कौन पहली बेंच पे बैठा है? तुम्हारे किसके कनेक्शन किसके साथ होते हैं? तेरे को कि लड़के लोग अच्छे लगते हैं क्या? ऐसा है क्या? तेरा कुछ उल्टा माज रहा है क्या बेटा? हाँ सीधा ही है ना. हाँ सर, कल मजा आ गया था पढ़ के, तो बेटा आज ही मजा आएगा ना, क्या दिक्कत है बेटा? कोई टेंशन ही नहीं है. हाँ चलिए जी दोस्तों, फटाफट फटाफट, आपकी कॉफी में मक्खी गिर गई है क्या? नलायक है क्या? कहाँ की मक्खी गिर गई है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? नथिंग इज इम्पॉसिबल लिखा तो अच्छा अच्छा है इसके ऊपर. हाँ क्रश आफ्टर यूज, ओके ठीक है. हाँ क्रश का मतलब दूसरा मत निकाल बेटा, ये क्रश यहाँ पे लिखा है, क्रश आफ्टर यूज. हाँ चलिए जी, अब मुझे क्या लगता है बताएं क्या? हम लोग सब मैराथन के थ्रू ही करेगा सब कुछ, 12-12 घंटे के, 3-12 घंटे के 4 मैराथन ले लिए, तो मुझे लग रहा है कि 8 टॉपिक तो ऐसे ही उड़ जाएंगे. हाँ है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? सिड्स, नंदिनी, सर आपके टाइम वैल्यू मनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिया है पीडीएफ में. बेटा नंदिनी वो करने की जरूरत भी नहीं बेटा आपको, ठीक है ना? वो करने की जरूरत भी नहीं बेटा आपको, जितना मैंने करा है उतना ही करिए जी. हाँ दादू यू आर बेस्ट, बेटा दादू बोलने की क्या जरूरत थी बेटा, ठीक है ना? हाँ 25 साल के नौजवान को दादू बोलते हैं नलायक को. हाँ प्रखर, प्रखर श्रीवास्तव, मिस भुहा, मिस भुनी, हेमंत, सर आपके टाइम वैल्यू मनी का ठीक है. और कौन कौन है? अनिरुद्ध, सर न्यू मॉडल वाले पे. तीसा, न्यू मॉडल के रोज में एक्स्ट्रा सेशन ले रहा हूँ, करेक्ट है? बताओ न्यू मॉडल के एक्स्ट्रा सेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तीसा कह रही है कि न्यू मॉडल वाले पे ध्यान नहीं देते, जरा उसको कमेंट करके बताओ करके कि उसको एवरीडे, अब भी करो कमेंट उसको, एवरीडे एक्स्ट्रा सेशन हो रहे हैं, सारी बातें उनके लिए. हाँ करो करो. हाँ अबे नलायक, कमेंट तो वहीं से करनी होती है, बेवकूफ इंसान. हाँ यूट्यूब से कमेंट करनी है बेवकूफ. हाँ हाँ टेक्स्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो सभी, अरे मोर देन सफिशिएंट है क्लास के नोट्स और टेक्स्ट में मोर देन सफिशिएंट है. गोविंद डीके, बाय सर, क्यों अभी आया नहीं और बाय कर दिया? हाँ चलिए जी. संपूर्ण, एकता, रोज हाँ होता है न्यू मॉडल का? हाँ रोज होता है. हाँ चलिए जी अब स्टार्ट करेंगे. हाँ थोड़ा बकरगिरी भी तो करनी पड़ती है. हाँ बकरगिरी करनी पड़ती है. हाँ. अभी आई नो बट क्या करें यार, 5 मिनट तो जरा हमको भी थोड़ा दिमाग को भी तो आराम चाहिए, एक दिन दिमाग फट जाएगा ऐसा है. चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं.
चलिए जी, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हो रहा है उसको बैर करो, ठीक है। लिवरेज, अब आ जाओ फटाफट। मुझे बताओ, एक एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों की राय ले लेते हैं। रादर देन टेकिंग एवरी डे रिविजन रिविजन रिविजन, क्या हम मैराथन 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 ले क्या? अब क्या 8-10 घंटे का मैराथन ले लिया तो 2-3 टॉपिक ऐसे निकल जाएं? क्या लग रहा है? वो क्लैश नहीं करवाएंगे ना, तो उतना तो हम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि उसको क्लैश नहीं करवाएंगे। तो क्या ये बहुत लंबा खींचे, उससे अच्छा है कि उसको फटाक से खत्म कर दे। और मैं एमसीक्यू, एक बार मैं एमसीक्यू 50-50 MCQs भी लेके आया हूँ साथ में, हर टॉपिक के तो 50-50 MCQs भी लेके आया हूँ साथ में। क्या लग रहा है? हाँ बच्चे क्या करे, दिखाओ क्लास में भी, मैराथन कर दो। हाँ सर, हाँ सर, चलेगा चलेगा, यस सर यस सर यस सर, सारे बच्चे बोल रहे यस सर यस सर यस सर यस सर। तो क्या होगा कि धनाधन कंप्लीट हो जाएगा, धनाधन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहे? तो क्या आप भी फ्री, मैं भी फ्री, माझी बायको का आजकल काय की नाही, माझा गला दाबती असं का मराठी कसं सांगतात तुम्ही, माझा गला दाबती असं आहे। हां यस सर, हाँ ले लो सर, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, परफेक्ट है, वंडरफुल। तो चलो, तो प्लान आज अब्बर सर से मिल के प्लान बना लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। तो मुझे लग रहा है देखो ना, तो क्या हो सकता है पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एक ही दिन में, बराबर है, फिर डिविडेंड पॉलिसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ही दिन में, वो भी थरो हो जाएगा एकदम डिटेल में, कैपिटल बजटिंग एक दिन के अंदर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा एक दिन के अंदर। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे बड़े बड़े टॉपिक तो ऐसे ही खत्म होते हुए चलेंगे, करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों ने टाइम वैल्यू बनी देखा क्या, मुझे बताओ फास्ट, टाइम वैल्यू बनी देखा क्या? तुम लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इसी इसी इसकी इसी के लिंक में आप गांधी जी के हाथ, आप गांधी जी से हाथ मिलाए हो क्या? मिलाया क्या यार? क्या चलो, आई थिंक मेरे हिसाब से यही सारे बच्चे हाँ ही बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए अब शुरुआत करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ लिवरेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, करेक्ट है, बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर अच्छा रिवीजन करवाएंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। बेकार करवाएंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा? नेगेटिव, करेक्ट है। फिर आज टू अ सर्टेन एक्सटेंट टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, टू अ सर्टेन टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, कल कंप्लीट करके एमसीक्यूज भी करा दूंगा। क्या करा दूंगा? आपके एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मैंने टोटल मिला के कुछ 41 MCQs निकाले हैं, उसमें आपके पास्ट ईयर के सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। तो उसमें मेजोरिटी थियरी थियरी एमसीक्यूज है, लेकिन पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल थियरी सब कुछ मैंने उसके अंदर डाल दिया है, तो आपको उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से एंड आई थिंक रियली गुड कि न्यू सिलेबस वाले बच्चे बैठ रहे हैं, मैं देख के काफी इंप्रेस हूँ तुमसे, करेक्ट है। तो तुम लोग को इतने एग्जर्ट होने के बाद भी आप बैठते हो, ओल्ड वालों को तो चॉइस है ही नहीं बेटा तुम्हारे पास तो ऐसे भी, ठीक है। तो लेकिन ये बैठ रहे तो अच्छी बात है। एनीवे तो मुझे बताओ कल धनाधन धनाधन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ में आया था क्या? वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी प्रोपोर्शनेटली, कैसे वेरी होता है? प्रोपोर्शनेटली, तो उसे क्या प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली मतलब 1 का 100, 2 का 200, 3 का 300, 5 का 500, 10 का 1000। अच्छा मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन डैश कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटालिटी चेंजेस, टोटालिटी चेंजेस। फिक्स कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिक्स कॉस्ट विच रिमेन फिक्स अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इन FMCA में हम इसी अजम्पशन के साथ पढ़ते हैं कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स फॉर एवर। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी डैश कॉन्स्टेंट फिक्स, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। ए प्रोडक्शन डिक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। क्या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है कि नहीं लगती है? तो उसमें से कुछ क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो बेस्ट एग्जाम्पल रेंट एंड डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंस पैसा उठाना, नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन तीन आस्पेक्ट, पैसा उठाना क्या उसे फाइनेंसिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पैसा लगाना क्या उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं कि नहीं कहते? पैसा उठाओगे पैसा लगाओगे तो कुछ
कमाओगे, कुछ कमाओगे, तो उससे हम शेयरहोल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं उसको? डिविडेंड देते हैं, करेक्ट। तो मुझे बताओ, डेट रेस करना क्या फाइनेंसिंग है कि नहीं है? यस। प्रेफरेंशियल कैपिटल रेस करना फाइनेंसिंग है कि नहीं है? यस। क्या डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस। तो डेट का इंटरेस्ट फिक्स है कि नहीं है? यस। तो क्या उसको हम फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस। तो क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड भी क्या फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है कि नहीं है? यस। तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के दो बेस्ट एग्जाम्पल बता दो, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। रेशियो का मीनिंग कल मैंने आपको समझाया था, रेशियो का मतलब क्या होता है? इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर इंटर रिलेटेड with each other, correct है? तो absolute values are totally useless. मुझे बताओ क्या debtors क्या एक variable है कि नहीं है? हाँ है। debtors का relation किसके साथ होता है? credit sales के साथ। बताओ creditors का relation किसके साथ होता है? credit purchase के साथ। किसके साथ होता है बेटा? credit purchase के साथ। क्या नहीं नहीं डेटर्स को क्रेडिट सेल्स के साथ कंबाइन करोगे तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? रेशियो। क्या कहेंगे उसे हम? रेशियो। क्रेडिटर्स को क्रेडिट परचेज के साथ कंबाइन करोगे तो भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? रेशियो। लेकिन क्या डेटर्स को क्रेडिट परचेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या क्रेडिटर्स को क्या क्रेडिट सेल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। हम उन्हीं दो वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। हाँ, रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टोटली यूजलेस। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस रात को, अच्छा अच्छा तुम लोग ऐसे बताओ, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। हाँ, घर पे बैठ के देखने का तो क्या दिक्कत है ना? रात को 9 से सुबह 5, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा तुम यहां बैठ के सो रहे हो और तो गजब हो जाए यहां पे, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे तो इधर सब है लाइक सो रहे फिर बुला रहा हूं। हाँ चलिए, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट समझाना है, समझाता हूँ आपको, ये सारी बातें समझाता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बताओ, इनकम स्टेटमेंट दिमाग में फिट हो। मुझे लगता है कुछ आए ना आए, क्या लाइफ टाइम ये इनकम स्टेटमेंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो? शादी होने वाली है क्या आप लोगों की? लेकिन बच्चे तो होंगे ना, शादी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन बच्चे तो होंगे ना? हाँ बोल रहा है ऋतुराज, हाँ बोल रहा है। हाँ, तेरी शादी में तेरे बच्चे भी आएंगे, नाचेंगे बेटा के, हाँ बाप की शादी है आज, मेरे बाप की शादी है कि नहीं? है कि नहीं ऋतुराज, क्या बोल रहा है? गुड, वेरी गुड। हाँ, शादी करने वाले हो क्या? सबको ऐसा ही लगता है बेटा। हाँ चलिए जी। हाँ, तो मुझे तो सेल्स में से क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। ये बाय डिफॉल्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऑपरेट करके, बिजनेस ऑपरेट करके जो कमाता है, क्या करता है? जो कमाता है वो कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो क्या मिलेगा? ईबीटी। इसमें से ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको किसको बिलोंग करता है? डेट वालों को, गवर्नमेंट वालों को, प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी वालों को। उसमें से हमने डेट वालों को उसका इंटरेस्ट दे दिया, तो ये ईबीटी किसको किसको बिलोंग करेगा? किसको किसको बिलोंग करेगा? किसको किसको बिलोंग करेगा मुझे बताओ, ये किसको बिलोंग करेगा? आपका गवर्नमेंट, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। उसमें से गवर्नमेंट को क्या दे दिया? टैक्स दे दिया, तो ये पैट किसको बिलोंग करेगा? प्रेफरेंस एंड इक्विटी, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो अभी प्रेफरेंस देने के बाद क्या बचे? प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो बताओ बचेगा क्या? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या ये इक्विटी वालों का है कि नहीं है आपका? उसमें से इक्विटी डिविडेंड दे दिया, तो क्या बचेगा आपका? रिटेन्ड अर्निंग। क्या इसी को हम सरप्लस कहते हैं कि नहीं कहते? यही आपकी बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों एक बात मैं आपको कहूं, इतने इतने रिविजन्स हो चुके हैं तो 50-60 तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, 500% दिक्कत नहीं आ सकती 50-60 तो, करेक्ट है? इतनी रिविजन्स की बात तो मुझे लग रहा है गधा भी पहलवान बनना चाहिए, ठीक है ना? आप तो बड़े अच्छे बच्चों, आप तो अच्छे बोल हो ना, मानते हो कि नहीं मानते हो आप अपने आपको? तो मुझे बताओ क्या हो गया आपका ये सरप्लस, क्या आ गया आपका सरप्लस? इनकम स्टेटमेंट टकाटक दिमाग में फिट हो गया। उसके बाद कल दो चार रेशियोज मैंने और बताए थे, क्या ईपीएस एक रेशियो था कि नहीं था?
फॉर्मूले हैं कि सिर्फ नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल फीलिंग है। अब फॉर्मूला की तरफ देखो ही ना, इसको क्यों हॉल की तरफ देख रहे हो? ईपीएस का फॉर्मूला क्या? अच्छा नहीं मुझे बताओ, कुछ कुछ बातें तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी कि नहीं रहेगी? ईपीएस का फॉर्मूला, इनकम स्टेटमेंट, कोई भी चीज की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, छोटी छोटी बातें तो याद रहेगी। हाँ, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है बताओ? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेबी लड़की है कि लड़का बेटा? आज तक हमको पता नहीं बेटा, इसीलिए ना पता नहीं उसका जेंडर ही क्या, हमको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, इसीलिए ना आप भी कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, जो भी हो मान लो उसको, जो भी कहते हैं मान लो। आरओआई, आरओआई, आरओआई का एक और नाम क्या है? आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल खुद का पैसा, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको बिलोंग करता है? इक्विटी वालों को ही बिलोंग करता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्लस डेट, डेट बोल दो बस, आगे कुछ डेट बोल दो, क्या बोल दो? डेट। डेट में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आ गया, डिबेंचर भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्या आ गया? सब कुछ आ गया। तो अब आप मुझे बताओ, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर। न्यू सिलेबस वालों का बूस्टर क्लास हर दिन होता है बेटा, प्लीज अभी ना पढ़ने दोगे बेटा, ठीक है ना सृष्टि बेटा? तो मुझे बताओ, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर। उसकी इनकम कहां पे आएगी? न्यूमरेटर। तो क्या ईबीआईटी ऑपरेटिव, हाँ नहीं नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड वालों की इनकम क्या होती है? ईबीआईटी। तो क्या ईबीआईटी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई का फॉर्मूला बता दो फटाफट, आरओई का फॉर्मूला बता दो फटाफट। हाँ, आरओई का फॉर्मूला ये रहेगा कि पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पर आता है? डिनोमिनेटर। और उसकी इनकम कहां पर आती है? न्यूमरेटर। तो इक्विटी का फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उसमें पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देंगे तो क्या ये आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर होगा कि नहीं होगा? यस। तो ये आरओई का भी फॉर्मूला हो गया, आरओई का भी फॉर्मूला हो गया। टन 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 टन। देखो हाँ, ये सारी नोट्स है ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइम वैल्यू मनी के लेक्चर्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी आज अब्बर सर से बातचीत करके हम लोग को डिसाइड करते ताकि फटाफट सारी बातों को कंप्लीट कर पाए। तो बेटा आप लोगों को रिक्वेस्ट है, लेकिन उसके पहले सारे बच्चे टाइम वैल्यू मनी के लेक्चर्स देख लेंगे, करेक्ट है? चार ही लेक्चर्स हैं, चार घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, फोर आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक में टाइम वैल्यू मनी का बेस लगने वाला है। आप भी एक बार देख लोगे ताकि फटाफट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो सारे बच्चों को ये प्रॉमिस करना है कि ये देखेंगे किस तरह से फॉर्मूले को याद रखेंगे। जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आता है? डिनोमिनेटर। और उसकी इनकम कहां पे आती है? न्यूमरेटर। तो क्या इस तरह से फॉर्मूले याद रखोगे कि नहीं रखोगे? अच्छा, अब जा रहा हूं मैं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला सिखाने के लिए। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, टॉपिक तो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल टॉपिक। टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो रेगुलर बैच में भी अगर हम इसी स्पीड से पढ़े तो चार दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन रेगुलर बैच में नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा बाउंसर जाता है, करेक्ट ना? तुम जितना यहाँ पे प्रोएक्टिव रहते हो ना उतना रेगुलर बैच में प्रोएक्टिव नहीं। अभी तुम्हारी फटी पड़ी है ना, तो क्या लगता है तुमको? पता है कि सुनना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो तुम थोड़ा रिस्पॉन्स करते हो। क्या अगर थोड़ा रिस्पॉन्स करते हो, बाकी तुम्हारे तो ऐसे भी नहीं फटने वाली बेटा, ऐसा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी सिर्फ ध्यान से देखना, मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, तीनों तीन के फॉर्मूले बता देता हूं आपको, करेक्ट है? लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, उसका क्रक्स भी समझ में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, सेल्स 2010 का, सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में लो, कैलसी हाथ में लो, लिखना नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कैलसी हाथ में लेंगे फटाफट। ये बात सर, नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, हाँ कलर तो बेटा काफी अच्छा रखा है बेटा मैंने उसका। सर ये नोट्स को प्रिंट कराना नहीं, क्यों कराना ना, ऐसे देख लो बेटा क्या दिक्कत है। हाँ आज मैं लेट हो गया, नहीं तो एकदम टाइम पे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट मुझे 2010 का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2011 का इनकम स्टेटमेंट भी दी के रखा हुआ है, करेक्ट है? ओ माय गॉड, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2010 में कितने यूनिट्स बेचे हमने? 10,000। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो डांट खाओगे बेटा, हाँ ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करें, कितने यूनिट्स बेचे हैं? 10,000।
पर यूनिट कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में। कैल्सी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों साथ में रखोगे, ठीक है ना? तो 10,000 × 20 कितना हो गया? 2 लाख। 10 से लेके 11 में जब जाते हैं तो 10% सेल्स इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज हो रहा है? तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 10,000 यूनिट जो है, क्या अब 11,000 यूनिट्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? कितने यूनिट्स बिकेंगे? 11,000। अग्रीड ऑन दिस पार्ट? तो बताओ, अप्लाई योर अगेन कॉमन सेंस। आपका सेल्स 2 लाख से कितना हो जाएगा? 2,20,000। ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा प्यार से डांटूंगा बेटा अभी आपको, ठीक है ना? रिस्पॉन्स करते चलोगे, नलायक को रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? तो मुझे बताओ कितना आएगा? 2,20,000। तो बताओ अमाउंट का चेंज कितना है? 20,000। मुझे परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज। कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस। देखो इस सी की कितनी इंपॉर्टेंस है। सी फॉर कॉमन सेंस, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, सी फॉर सी एस, सी फॉर सी एस, सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर चमन, सी फॉर चमन, करेक्ट है? सी की इंपॉर्टेंस देखो आपकी लाइफ में कितनी है बेटा। मतलब सी को भूलो ही मत, सी को भूलो ही मत। तो आप मुझे बताओ, सी फॉर चेंज। सी फॉर क्या होता है? चेंज। फॉर अ चेंज आप पढ़ रहे हो, बाकी काफी अच्छा लगता है। तो मुझे बताओ क्या परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ फास्ट? अब मुझे बताओ 2 लाख पे चेंज कितने का हुआ? 20,000 का। तो बताओ 100 पे कितने का होगा? 100 पे कितने का होगा? 2 लाख पे चेंज हो गया कितने का हो गया? 20,000 का। तो 100 पे कितने का होगा? तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आपका 20,000 × 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो क्या आपका 10% चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो अभी एक, अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो फॉर्मूला के चक्कर बड़े फंसते हैं। सर फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला भी आ गया, अमाउंट वाला चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। बताओ अमाउंट वाला चेंज कितना था? 20,000। और मेरे दोस्तों क्या ओरिजिनल अमाउंट क्या 2 लाख रुपया है कि नहीं है? तो अमाउंट वाले चेंज को किससे डिवाइड कर दो आप? ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो आप? ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर दो। तो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100 कर दो। तो क्या आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, क्या मिल जाएगा आपको? परसेंटेज चेंज मिलेगा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपका? 10%। कितना हो गया आपका? 10%। कोई भी दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई भी कंफ्यूजन है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40%। ये इनकम स्टेटमेंट ही है बेटा, ये क्या है आपका? इनकम स्टेटमेंट। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40%। ये 40% किसका होता है? ऑलवेज सेल्स का। किसका होता है बेटा? ऑलवेज सेल्स का। तो बताओ 2 लाख का 40% कितना होगा? 80,000। 11 में कितना हो गया? 88,000। तो अमाउंट फॉर्म वाला चेंज कितना हुआ दोस्तों? 8,000। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। सर वो चेयर साइड पर कर दो, बीच में आ रही है। ठीक है भाई, बैठ जाए क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है अभी बराबर है। हाँ अभी तो नहीं आ रही बीच में, ठीक है। अब मुझे बताओ सर 20 पर यूनिट क्यों लिया गया? अरे भाई ये एग्जांपल मैंने क्रिएट किया हुआ है, वैल्यूज मैंने डाल के रखी, ठीक है ना? तो मैंने मान लिया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20 रुपया है। इसीलिए आप वैल्यूज कहां से आई उस चक्कर में मत जाना। ऑल वैल्यूज हैज बीन अज्यूम्ड बाय मी। इज दैट क्लियर टू यू यहां पे? तो आप मुझे बताओ एक मिनट, तो मुझे हाँ परसेंटेज अमाउंट फॉर्म में चेंज कितने का हुआ दोस्तों? 8,000। क्या मैं उसको परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कैसे? अमाउंट वाला चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या परसेंटेज चेंज भी क्या 10% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? आप सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे मेरे दोस्तों? क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,20,000। यहाँ पे कितना आ गया? 1,32,000। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे बताओ क्या 12,000 के अमाउंट वाला चेंज आया कि नहीं आया यहाँ पे? तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? 10% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा चेक करके देख लो, कैल्सी पे कैलकुलेट करके देख लो दोस्तों, ठीक है? तो मुझे बताओ उसमें से फिर क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। प्रखर यार बेटा, मेरे भाई प्रखर, मेरे भाई प्रखर, ये 2,20,000 कैसे आया? तो क्या 11,000 10% अगर बढ़ेगा तो 11,000 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2,20,000 आएगा कि नहीं आएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम। दिया जी सर वेरिएबल कॉस्ट वाला एक बार फिर समझा दीजिए। भाई वेरिएबल कॉस्ट कितनी है दोस्त? 40% है। तो 2 लाख सेल्स पे 40% कैलकुलेट कर ले दोस्त तो कितना आ जाएगा? 80,000। 2,20,000 पे 40% कैलकुलेट कर ले दोस्त तो कितना आ जाएगा? 88,000। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात अब होनी चाहिए बेटा आपको, कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है? तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी? ऑपरेटिंग। कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी? ऑपरेटिंग। एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स।
क्या ये हम ये अजम्पशन के साथ हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, तो आप मुझे बताओगे तो 60,000 ये चेंज नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चेंज नहीं होगा। दिया समझ में आ गया बेटा, मुझे बताओ फटाफट। ओके, ये चेंज नहीं होगा, इज दैट क्लियर टू यू? यहां पर 60,000 क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, तो क्या यहां पर डैश डैश कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ओ माय गॉड, अभी देखना। आप कंट्री में से क्या माइनस करते हो? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करते हो? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। कंट्री में से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। तो क्या ईबीआईटी में चेंज कितने का आया? 12,000। तो मुझे बताओ यहां पे परसेंटेज फॉर्म में चेंज कितने का आया? 20%। एक बार कैलकुलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैलकुलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ, मेरे शावर में नहीं, शोल्डर में पेन है बेटा। हाँ, शोल्डर थोड़ा पेन है आज। अब तो मुझे एक चीज बता दो, मुझे तो अमाउंट फॉर्म का चेंज कितना है? 12,000। कितना है? 12,000। तो कैसे परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करेंगे आप? 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या 20% आएगा कि नहीं आएगा? बस अभी देखो यहाँ पे मजे की बात है, बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। क्या आपको नहीं लगता है ये EBIT भी एक प्रॉफिट है? और हम उसे कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करेक्ट है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनोगे। मुझे बताओ सेल्स कितना परसेंट चेंज हुआ? ये देखो कितना परसेंट चेंज हुआ, 10%। और EBIT कितना परसेंट चेंज हो गया दोस्तों? क्या EBIT 20% चेंज हुआ? मतलब सेल्स हमारा 10% से जब बढ़ता है तो EBIT कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 60%। कितने से बढ़ रहा है? 60%। पता है ये किसके वजह से हुआ? ये इसके वजह से हुआ। और ये इसका इस ये इस इसके मतलब कौन? फिक्स कॉस्ट की वजह से। किसके वजह से हुआ? फिक्स कॉस्ट। नहीं सर, नहीं समझ में आया, समझा देता हूं बेटा, ध्यान दो यहां पर। मुझे बताओ, ये लो सेम एग्जाम्पल है, सेम वैल्यूज है, सेम एग्जाम्पल है, करेक्ट है। सेल्स कितना है? रिस्पॉन्स 2,00,000, 2,20,000। तो परसेंटेज चेंज कितना? 10%। वेरिएबल कॉस्ट, सारी बातें सेम एग्जांपल है, बस मैंने फिक्स कॉस्ट नहीं लिया है। क्या नहीं लिया मैंने यहां पे? फिक्स कॉस्ट नहीं लिया है। तो जरा चेक कर लो, सेम एग्जांपल है, मैं कह रहा हूं दोस्तों ये सेम एग्जांपल है, बस मैंने यहां पे फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं किया। तो अब आप मुझे बताओ सेल्स में कितना परसेंट चेंज हुआ? 10%। तो देखो ना, आपका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या उतना EBIT आ गया? जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या उतना? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या उतना EBIT आ गया? हाँ। तो क्या जितना आपका ये चेंज था तो क्या 10% चेंज आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। तो मुझे बताओ क्या अगर ये फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ? 10%। तो हमारा EBIT भी कितने परसेंट से चेंज होता? 10%। अगर ये नहीं होता तो क्या आपका सेल्स 10% तो EBIT भी 10%। सेल्स मान के चलो कि 20% तो EBIT भी 20%। सेल्स मान के चलो 30% तो EBIT भी 30%। लेकिन यहां पे जैसे ही फिक्स कॉस्ट आ गया, क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट। जैसे ही फिक्स कॉस्ट आ गया, जैसे ही क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट आ गया। तो क्या सेल्स के चेंज होने की ज्यादा इंपैक्ट क्या EBIT पे आई कि नहीं आई? सेल्स के चेंज होने की मैग्नीफाइंग इंपैक्ट, कौन सी इंपैक्ट? मैग्नीफाइंग इंपैक्ट, क्या EBIT पे आई कि नहीं आई? ऑनलाइन वाले बच्चे पे रिस्पॉन्ड करके बताएंगे क्या ये आई की, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसे ही तो हम लिवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवरेज। क्या फिक्स कॉस्ट की वजह से? ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से? क्या हमें सेल्स के चेंज होने की ज्यादा इंपैक्ट क्या EBIT पे दिखी कि नहीं दिखी यहां पर? और वो हाँ, तो हमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से लिवरेज मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? लिवरेज मिला कि नहीं मिला? तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जो भी हमें लिवरेज मिला, क्या मैं उसे ऑपरेटिंग लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो बताओ, देखो अभी देखो लिवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? लिवरेज की डेफिनेशन होती है, लिवरेज मींस क्या होता है? बेनिफिट। बेनिफिट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। बेनिफिट किस पे? प्रॉफिट पे। किस पे? प्रॉफिट पे। तो क्या EBIT एक प्रॉफिट है कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। बताओ यहां पे कौन सी फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी? ऑपरेटिंग। तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्व होने के वजह से,
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्व होने के वजह से, क्या सेल्स की चेंज होने की बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब मैग्नीफाइंग इफेक्ट, क्या आपकी ईबीआईटी पे आई कि नहीं आई? तो अब आपको ये लिवरेज की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने पहले ही कहा था लिवरेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, बेनिफिट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, हाँ बेनिफिट समझा दो, नेगेटिव कैसे तो समझाता हूं, बेनिफिट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, बेनिफिट किस पे, प्रॉफिट पे, किसके वजह से, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। और हमने एग्जाम्पल से ये प्रूव भी कर दिया कि अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो क्या नहीं होती, फिक्स कॉस्ट, तो क्या सेल्स 10% से चेंज होता तो आपका ईबीआईटी भी कितने परसेंट से चेंज होता, 10%। नहीं समझे, जैसे फिक्स कॉस्ट आया तो क्या सेल्स के चेंज होने की ज्यादा इंपैक्ट, मैग्निफाई इंपैक्ट क्या ईबीआईटी पे आई कि नहीं आई? तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? उसी बेनिफिट को हम और टेक्निकल टर्म में लिवरेज कह सकते कि नहीं कह सकते? फैकल्टी अच्छा पढ़ाएगी तो एग्जाम में लिवरेज मिलेगा, तो लिवरेज अच्छा मिलेगा। अगर फैकल्टी बेकार पढ़ाएगी तो एग्जाम में बेकार, तो लिवरेज रिस्क में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्क में क्रिएट हो जाएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या हमें लिवरेज मिला, तो उस लिवरेज का नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो एक का एक समझा क्या, सेल्स अगर 1% से चेंज होता तो ईबीआईटी भी 1%, लेकिन एक का दो, एक का तीन, एक का चार, एक का पांच, एक का छह, ऐसा हो सकता है किसकी वजह से, फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, हेमंत, प्रखर, दिया, वर्षा, प्रगति, जो जो है, फटाफट बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट जल्दी से बताइए। अच्छा अभी जरा देखना, मान के चलो ऊपर हमने फिक्स कॉस्ट कितनी रखी थी, ऊपर फिक्स कॉस्ट रखी थी 60,000, कितनी रखी थी 60,000। सेम एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, एग्जाम्पल सेम है, मैंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट कितना कर दिया, 1,00,000, कितना कर दिया 1,00,000। कैल्सी और दिमाग दोनों साथ में होना चाहिए। तो मुझे बताओ सेल्स कितने परसेंट से, 10%। सेम एग्जांपल है, सिर्फ मैंने फिक्स कॉस्ट चेंज किया है। बताओ आपका ईबीआईटी कितने परसेंट चेंज हो गया, 60% से। देखो ना, सेल्स कितने परसेंट चेंज हुआ, सिर्फ 10%, और फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज होने से, पहले 60 था, पहले कितनी थी 60, अरे पहले जीरो मार्क, पहले कितनी थी, जीरो थी, तो सेल्स 10% तो ईबीआईटी भी 10%, फिर कितनी हो गई है फिक्स कॉस्ट 60,000, तो सेल्स 10% तो ईबीआईटी 20%, अब फिक्स कॉस्ट कितना हो गया आपका 1,00,000, तो सेल्स 10% तो आपका ईबीआईटी कितना परसेंट, 60%। हेलो, तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से सर आपके ब्रशअप लेक्चर से ही लिवरेज के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे, रिवीजन देखकर तो डन हो जाएंगे, थैंक यू एंड लव यू सर। निशांत ब्यास, कल तूने बहुत भद्दा बोला था बेटा, तूने कल तेरी दादी के साथ मेरे को जोड़ दिया था बेटा, हाँ तो तेरे को अच्छा लगता है क्या बेटा, है ना लायक? हाँ मुझे बता, वापस सेंटी हो गया मैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ हाँ हाँ, तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या लिवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा ऑपरेटिंग लिवरेज, कौन सा लिवरेज मिलेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यार ये ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का क्या एक ये क्या फॉर्मूला भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, फॉर्मूला भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। अच्छा यहीं से कुछ थियरी क्वेश्चंस, चलो अपने फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताता हूँ कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। मुझे एक चीज बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वापस बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मुझे आप एक चीज बताओ, सर आपको मेरे घर की काम वाली बहुत याद करती है ना, क्या है यार ये फालतू वाली बातें क्या कर रहे हैं तुम लोग यार। हाँ मुझे था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा एक मिनट,
देखो फॉर्मूला याद रखने का मुझे तो लग रहा है फॉर्मूला आपको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, एकदम नेचुरल फीलिंग से कनेक्ट करवाऊंगा। तो बताओ एक सेकंड, सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? क्या ईबीआईटी सेल्स पे डिपेंडेंट है? जो भी डिपेंडेंट होगा वो न्यूमरेटर में, और वो जिस पे डिपेंडेंट है वो डिनोमिनेटर में, खत्म। तो बताओ सेल, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। मुझे बताओ कौन सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? ईबीआईटी सेल्स पे डिपेंडेंट है। तो बताओ ईबीआईटी कहां पे आएगा? न्यूमरेटर। तो सेल्स कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर। तो क्या याद रखने में कोई परेशानी होगी क्या आपको यहां पे है? तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना परसेंट है? 20% है। कितना परसेंट है? 20। अच्छा इसीलिए तो मैंने बोला था कि परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो क्या परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना आ गया क्या आपको यहां पे? बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना परसेंट है? 20%। कितना है? 20%। तो 20% को अगर आप 10% से डिवाइड करोगे, कितने परसेंट से डिवाइड करोगे? 10%। ये देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा? 2। 2 को क्या मैं 2 / 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। क्या उसको मैं 2:1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस। होप यू गेट माई पॉइंट, वेरी क्लियर। तो मुझे बताओ ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। तो मुझे बताओ ये डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? क्या 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस। तो ये 1 जो है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। ये जो 2 जो है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है। तो जब आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आता है, क्या आता है? 2। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज होगा तो हमारा ईबीआईटी 6% से चेंज होगा। और ये जो चेंज है वो बाई डायरेक्शनल है। कौन सा है? ये बाई डायरेक्शनल है। चेंज अपवर्ड भी हो सकता है, चेंज डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर हमारा सेल्स 1% से ऊपर जाएगा तो ईबीआईटी कितने परसेंट से? 2%। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ? अगर हमारा सेल्स 1% से नीचे जाएगा तो ईबीआईटी भी कितने परसेंट नीचे चला जाएगा? तो ईबीआईटी कितने परसेंट नीचे जाएगा? 2%। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो लिवरेज है ये बेनिफिट भी है। अगर ऊपर गया तो बेनिफिट, लेकिन नीचे गया तो रिस्क, नीचे गया तो रिस्क। वो भी कटना पॉइंट, वेरी क्लियर। मतलब क्या लिवरेज ऑपरेटिंग, देखो मैंने ऐसा नहीं बोला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि सेल्स 1% से चेंज, मैंने ऐसा नहीं बोला सेल्स 1% से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज बोलता तो एक ही डायरेक्शन में आ जाता, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया था? चेंज। अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज होगा? 2%। एंड चेंज विल बी बाय डायरेक्शन, चेंज विल बी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां पे? फॉर्मूला बोलो फटाफट, एक बार फॉर्मूला बोल दो फास्ट। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मुझे बताओ याद कैसे रखोगे? सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? ईबीआईटी। जो डिपेंडेंट है वो ऊपर, और वो जिस पे डिपेंडेंट है वो नीचे। और परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करना आ गया। अच्छा एक बताओ, इसका इसका मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ। सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कैलकुलेट करके बताएंगे फास्ट। इसका मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, जल्दी से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ। कैलसी भाई हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया, क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं? 6। श्योर? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? 6 ही होगा क्या? देखते हैं। 6 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करने की जरूरत भी तो नहीं है ना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 60%। कितना परसेंट है? 60%। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 10%। तो 60% डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा? आपका कितना आ रहा है? 6। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो क्या हमारा ईबीआईटी क्या 6% से चेंज होगा कि नहीं होगा? और ये चेंज क्या रहेगा आपका? बाय डायरेक्शनल। क्या रहेगा आपका? बाय डायरेक्शनल। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुनना। हायर दी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, हायर दी ऑपरेटिंग लिवरेज। देखो ना पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 60,000 थी। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था? 2 था। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था? 2 था। अब आपके आपका फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 1,00,000 रुपया हो गई। कितनी हो गई? 1,00,000 रुपया हो गई। तो मुझे बताओ क्या आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या 6 हो गया क्या यहां आएगा? तो वेरी गुड थियरी क्वेश्चंस, वेरी गुड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। क्या बनेगा यहां पे? ये ऑनलाइन सारे बच्चे लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे। क्या बनेगा यहां पे? ये हायर दी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या हायर दी ऑपरेटिंग लिवरेज? आवाज नहीं आ रही है,
कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पे? अच्छा मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओगे? मुझे यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओगे कितना आएगा? वन। सर एक बार चेंज वाला कैसे फाइंड करते हैं? कृषांगी में एंड में रिपीट करूं क्या बेटा? मुझे बताओ फटाफट, कृषांगी में एंड में रिपीट करूं क्या बेटा? तो बताओ कितना आएगा ये? वन आएगा क्या? बताओ क्यों वन आएगा? ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना परसेंट है? 10% डिवाइडेड बाय 10%, क्या वन होगा कि नहीं होगा? वन का इंटरप्रिटेशन सेल्स 1% से चेंज होगा तो ईबीआईटी भी 1% से चेंज, चेंज क्या बाई डायरेक्शनल है कि नहीं है? अच्छा वेरी गुड थियरी क्वेश्चंस, वेरी गुड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? जीरो जीरो जीरो। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जीरो है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होना चाहिए? जीरो। अभी यही अभी तो कैलकुलेट कर लिया भाई, क्या होना चाहिए? वन। क्या होना चाहिए? वन। इसीलिए बहुत बार कैसा होता है ना, फीलिंग कनेक्ट हो जाती ना कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लिवरेज भी क्या रहेगा? जीरो। लेकिन जीरो नहीं होता है मैथमेटिकली, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? वन। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्लियर हो गया क्या? क्या कर रहे हैं साहिल? तो अभी तो मेरे को अब तक डाउट था, अभी मैं पक्का हो गया बेटा। हाँ सारे बच्चे ऐसे ही आए कई बार। सर आप प्लीज जो आप नोट्स बनाओगे रिवीजन में, श्योर बेटा, श्योर प्रखर जी। हाँ चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। तो अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ। अच्छा बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या है? एक रेशियो ही है ना, ये क्या है? एक रेशियो ही तो है, ये क्या है? एक रेशियो ही तो है, रेशियो है कि नहीं है? रेशियो में क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं। तो क्या ईबीआईटी एक वेरिएबल है कि नहीं है? क्या सेल्स एक वेरिएबल है कि नहीं है? तो दो वेरिएबल्स को कंबाइन कर दिया तो एक रेशियो क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या है? एक रेशियो ही है। अभी लिवरेज की डेफिनेशन टकाटक क्लियर हो गई क्या? मुझे बताओ फास्ट। ये सारी नोट्स जो है ना आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम वैल्यू मनी के भी लेक्चर्स देखे रखे हैं आप। टाइम वैल्यू मनी प्लीज देख लेना ताकि एक है ना टेंशन हमारा दूर हो जाए, एक टेंशन हमारा दूर हो जाए। ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वंडरफुल। अब सुना ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनना। ये इंटरेस्ट जो है क्या ये भी एक फिक्स कॉस्ट है? कौन सी फिक्स कॉस्ट है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। हाँ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ओके प्रखर जी बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे क्या बेटा? हाँ प्लीज बेट, इसका इंटरप्रिटेशन मैंने बोला था कि अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज होगा? 2% से चेंज होगा। ये नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है, इसलिए तुम्हारा कुछ भी अगर मिस आउट होता है ना तो नोट्स में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लो। अब एक सेकंड, प्लीज पे अटेंशन आओ। मुझे बताओ ईबीआईटी के, हाँ ईबीआईटी के बाद हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट ऑलवेज किसका होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का? किसका ऑलवेज होता है ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। ये किसका होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो अच्छा क्या इंटरेस्ट जैसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, तो वैसे कैलकुलेटर हाथ में उठाओ, तो क्या वैसे इंटरेस्ट भी क्या फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा हमारा? तो बताओ 60,000 के ईबीआईटी में से, 60,000 के ईबीआईटी में से, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम क्वेश्चन, आप इंटरेस्ट माइनस करिए। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये 12,000 कहां से आया ना, इस चक्कर में मत जाना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे भाई लाइक ठोकेंगे, भाई लाइक ठोकेंगे, इतनी मेहनत करे तो एक लाइक तो बनती है कि नहीं बनती है? हाँ मुझे बताओ क्या ये इंटरेस्ट क्या फिक्स है कि नहीं, मुझे बताओ फास्ट। हाँ कहां से आया? मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 12,000 चेंज होने वाला नहीं है तो 60 में से 12 माइनस करोगे तो क्या ईबीटी आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 48,000। तो 72 में से 12 माइनस करोगे तो ईबीटी कितना आएगा? 60,000। तो वापस ईबीटी में परसेंटेज चेंज कितना, नहीं अमाउंट में चेंज कितना हुआ? 12,000। जरा ईबीटी का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो, ईबीटी का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो। करोगे फिर रिस्पॉन्स दोगे। बताओ कितना आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 100 तो क्या 25% चेंज होगा कि नहीं होगा? अब कनेक्ट करना मेरी बात को। सेल्स
और ईबीटी ईबीआईटी के बीच में, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को प्लीज, हाँ, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? वंडरफुल, कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से लिवरेज भी कौन सा मिलेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या ये इंटरेस्ट जो है क्या ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है? इंटरेस्ट जो है क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है? वंडरफुल। किसके बीच में आई? ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में आया। ये किसके बीच में आया? ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में। मैं तो कह रहा हूं टोन एंड कॉमन सेंस, जरा सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज मिला था तो क्या हमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या फाइनेंशियल लिवरेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यस और नो? अच्छा अच्छा, अब बताओ ईबीआईटी कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। तो बताओ ईबीटी कितना परसेंट चेंज होगा? 25%। अब मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं करता हूं, मैथमेटिकली प्रूव नहीं करता हूं। मान लो अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या होता? इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या होता? क्या ईबीआईटी आपका 20% से चेंज हुआ तो क्या ये भी आपका 20% से ही चेंज होता? मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज में प्रूव कर दिया, लेकिन यहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये सेंटेंस बोला, समझ में आ गया कि आपको? यहां पे ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे। सर इंटरेस्ट सेम है तो ये डाइजेस्ट हो गया सर, पर दो साल में डेट अलग अलग। नहीं निशांत, हम ये अजम्पशन लेंगे कि डेट चेंज नहीं हुआ था बेटा, ठीक है ना? निशांत प्लीज बेटा, अभी थोड़ा पढ़ाने देगा कि बेटा निशांत, हम ये अजम्पशन लेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ था, ठीक है ना? ऐसा अजम्पशन लेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि दोस्तों तो क्या ईबीआईटी 20% चेंज हुआ तो क्या आपका ईबीटी 25% से चेंज हुआ? क्या किसके वजह से? इंटरेस्ट के वजह से। और इंटरेस्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट है? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है कि नहीं है? तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, नहीं नहीं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज मिला था, तो क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या फाइनेंशियल लिवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा लिवरेज मिलेगा? फाइनेंशियल लिवरेज। तो बताओ अब क्या ईबीआईटी और ईबीटी में डिपेंडेंट कौन है? क्या ईबीटी क्या ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? ईबीटी क्या ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, मुझे बताओ फास्ट। तो ईबीटी अगर ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है तो यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी। आपकी कॉमन सेंस को अप्लाई करके मुझे बताओ कि मैं फॉर्मूला कैसे ड्राफ्ट कर सकता हूं? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अरे भाई ये भी तो एक रेशियो हो गया। रेशियो का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो बताओ क्या ईबीटी वेरिएबल है कि नहीं है? क्या ईबीआईटी वेरिएबल है कि नहीं है? तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है? 25%। ये कितना है? 20%। तो क्या ये 1.25 डिवाइडेड बाय 1 इज नथिंग बट 1.25। कैलकुलेटर साथ में रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है बेटा। तो मुझे होता 1.25:1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आई वांट इंटरप्रिटेशन, मुझे इंटरप्रिटेशन चाहिए। मुझे बताओ अगर हमारा ईबीआईटी 1% से चेंज होगा तो क्या ईबीटी क्या 1.25% से चेंज होगा कि नहीं होगा? और ये चेंज बाई डायरेक्शनल होता है, चेंज अपवर्ड भी हो सकता है तो चेंज डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्या क्लियर है कि नहीं आपको यहां पे? कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या यहां पे? वंडरफुल। तो आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का भी फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? रिविजन बैच है ये, कोई रेगुलर बैच नहीं है। अरे कोई रेगुलर बैच नहीं है, करेक्ट है। इसीलिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं फास्ट नहीं करा रहा हूं लेकिन इसी तरह से चलेंगे क्योंकि ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकता हूं। उसको खत्म करना है, इसको हाँ जी, आई एम बैक नाउ, आई एम बैक,
ओके आई एम बैक आई एम बैक आई एम बैक आई एम बैक ओके डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज समझ में आ गया क्या आपको, मुझे बताओ फास्ट, जरा चेक करो। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स। क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, पैट। चेक करो क्या मिल जाएगा, पैट। अच्छा पैट का परसेंटेज चेंज जरा कैलकुलेट करो, पैट का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है जरा, क्या 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करो। पैट का परसेंटेज चेंज एक बार चेक करके बताओ, क्या 25% आ रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भाई लाइक करेंगे भाई, थोड़ा लाइक करोगे भाई, थोड़ा लाइक करोगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, तो मुझे बताओ क्या पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया था दोस्तों, 28,800। ये कितना आया था, 30 कैल्सिल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सुनने से कुछ होता नहीं है। तो मुझे बता परसेंटेज चेंज कितना आया, जरा चेक करो क्या परसेंटेज चेंज का 25% आया कि नहीं आया। अच्छा मैं यहां पे लिखना भूल गया हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 रुपीज है, नंबर सॉरी 10,000 है, रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 है। तो अब आप मुझे बताओगे क्या अगर मुझे ईपीएस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, ईपीएस, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या हमारा ईपीएस क्या 2.88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। तो क्या हमारा हमारा ये ईपीएस यहाँ पे कितना आया, 3.6 आया कि नहीं आया, जरा चेक करो। बट आप प्लीज है ना, रिक्वेस्ट है कि सब लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड भी करेंगे और एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या ये अमाउंट फॉर्म में चेंज कितना हुआ, 0.72 हुआ कि नहीं हुआ। आई वॉन्ट परसेंटेज चेंज, आई वॉन्ट परसेंटेज चेंज, नलायक, हाँ आई वॉन्ट परसेंटेज चेंज। तुम लोग को नलायक सुनना अच्छा लगता है क्या बेटा, बहुत अच्छा लगता है क्या, क्या तुम लोग टेक्निकली नलायक हो बेटा, चलिए जी। तो मुझे आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, क्या ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करो। अभी सुनना, इसमें एक दो दो तीन एमसीक्यूज बन जाएंगे, ध्यान से सुनो, दो तीन एमसीक्यूज बनेंगे, ध्यान से सुनोगे। मुझे एक चीज बताओ, ओए आत्माजी सटक लिया, हाँ ओके। अब मुझे बताओगे ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में, ध्यान से सुनना, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में क्या दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है कि नहीं आती है? आप जब यू नो इधर देखो और मुझे इमेजिन करके बताओ, एक तो इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा और दूसरा कौन सा आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। वो बात अलग है कि मैंने ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं आपको, है ना, देखो ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप को समझना। क्या समझना, रिलेशनशिप को, और आपसे बेहतर रिलेशनशिप को कौन समझ सकता है ना बेटा, यहां पे तुम्हारी लाइफ में आजकल चलता ही क्या है, पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप, करेक्ट है कि नहीं। एफएम तो तुम क्या है, क्या क्या एफएम चलता है, हाँ यही चलता है कि नहीं चलता है, मुझे बताओ फटाफट। अच्छा मुझे बताओ ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है, नंबर वन इंटरेस्ट एंड नंबर टू प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर टू प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर किया नहीं है, लेकिन अगर देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा हूं, सेल्स और ईबीआईटी का जो रिलेशन है क्या ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से है? तो क्या ऑपरेटिंग लिवरेज, नहीं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से कौन सा लिवरेज क्रिएट होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ, सेल्स का ईबीआईटी के साथ, किसका किसके साथ, सेल्स का ईबीआईटी के साथ। ऑल गुड एंड कनेक्टेड, ऑल गुड एंड कनेक्टेड, सेल्स का ईबीआईटी के साथ। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या होता, प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या, चलो ऐसे देखो, पहले ऐसे देखते हैं, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को मारो गोली, तो क्या ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, और उसके वजह से क्या हमें फाइनेंशियल लिवरेज मिला कि नहीं मिला, क्या मिला, फाइनेंशियल लिवरेज मिला कि नहीं मिला। तो अब आप मुझे बताओ
फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ? ईबीआईटी का ईबीटी के साथ। बोलो किसका किसके साथ? ईबीआईटी का ईबीटी के साथ। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्या आपको नहीं लगता है ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी होना चाहिए था? अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो नहीं, हो बात अलग है। तो क्या ईबीआईटी का रिलेशन क्या ईपीएस के साथ आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता मुझे बताओ फास्ट, बताओ। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है? 25%। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है? 25%। परसेंटेज चेंज इन पैट कितना है? 25%। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, मैंने अमाउंट चेंज नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मैं नहीं कह रहा हूं, मैथमेटिक्स कह रहा है। कौन कह रहा है? मैथमेटिक्स। मैंने थोड़ी बोला है। कोई बच्चा अगर आपके उसके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आता, सर ऐसे ये कैसे हुआ, तो तू चेक कर ले भाई, है जो मैंने यहां क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उसमें तू चेक कर ले, क्या उसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आप मुझे बता, लेकिन ये कब होगा? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यहां पर परसेंटेज चेंज, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस। तो सर हमारे लिए कौन सा अच्छा क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तुम्हारे बेटा, ठीक है ना, तुम्हें ऐसा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तुम मुझे बताओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो डैश इज इक्वल टू, डैश इज इक्वल टू डैश, बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। लेकिन ऐसा कब होगा? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ फास्ट। तो अब आप सोच के बताओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या ईबीआईटी और ईपीएस पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मैं यहां पर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लिखूं या परसेंटेज चेंज इन पैट लिखूं, क्या लिखूं, परसेंटेज चेंज इन पैट या परसेंटेज चेंज इन क्या लिखूं, ईपीएस, क्या वन एंड द सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब। हेलो, रिलेशनशिप बोलो फटाफट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप किसका किसके साथ? सेल्स का ईबीआईटी के साथ। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ? ईबीआईटी का ईपीएस, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबीआईटी का ईबीटी, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है कि नहीं है? रिलेशनशिप समझ में आ गया, रिलेशनशिप समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहां पर कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां पर? ओके, तो ऑल गुड एंड कनेक्टेड ना, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे बताओ फटाफट। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और मजे की बात, और मजे की बात मुझे बताओ, सेल्स और ईपीएस के बीच में, किसके बीच में? सेल्स और ईपीएस के बीच में क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है? क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है? तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों के वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उस लिवरेज को क्या मैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कौन सा लिवरेज कह सकता हूं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता मुझे बताओ फास्ट, कौन सा लिवरेज कहूंगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अच्छा दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है। सेल्स और ईपीएस में कौन किस पे डिपेंडेंट? ईपीएस सेल्स पे, ईपीएस सेल्स पे। तो क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला अपने आप बनाओगे? अपने आप बनाओगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला अपने आप बनाओगे क्या, मुझे बताओ फास्ट? तो कंबाइंड लिवरेज फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या 25% है कि नहीं, मुझे बताओ फटाफट। तो 25% डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 10%। तो क्या आपका परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? और आंसर क्या आएगा आपका? 2.5। इंटरप्रिटेशन 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 इंटरप्रिटेशन, अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो क्या हमारा ईपीएस क्या 2.5% से चेंज होगा कि नहीं होगा?
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, तीनों तीन लिवरेज दिमाग फिट हो गए क्या यहाँ पे है? तो एक बार धनाधन मुझे फॉर्मुला बोल दोगे क्या यहाँ पे है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक और चीज बता दो। बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये क्वेश्चन में कितना आया था? दो आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? जरा चेक कर लो। हाँ आया था, टू क्या आया था? कितना आया था? टू आया था। क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया था? 1.25। कितना आया था? 1.25। और कंबाइंड लिवरेज कितना आया था? 2.5। कितना आया था? 2.5। कंबाइंड लिवरेज फाइंड करने का एक और फॉर्मूला, सर फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट निशान जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा तो क्या डिग्री, अभी कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर हाथ में उठाओ फटाफट, क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को फाइनेंशियल लिवरेज से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या यही हमारा कंबाइंड लिवरेज है कि नहीं है? तो कंबाइंड लिवरेज का एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एकदम टकाटक क्लियर, कोई भी दिक्कत है यहां पे ये? तो अब आप एक सेकंड मुझे बताओगे, बेटा रिवीजन बैच है इसीलिए मैं इतना रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन फाइनल रिलेशनशिप बोल दो, ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप किसका किसके साथ? सेल्स का ईबीआईटी के साथ। फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ? ईबीआईटी का ईबीटी बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईबीआईटी का ईपीएस भी बोल सकते कि नहीं बोल सकते? एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ? सेल्स का ईपीएस के साथ। एकदम टकाटक है क्या यहां पे? कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? मुझे क्या लगता है पता है क्या, आपको रेगुलर लेक्चर से ज्यादा रिविजन लेक्चर समझ में आते हैं, तो मुझे लग रहा है पूरा रिवीजन के थ्रू पढ़ा देना चाहिए ना, ये क्यों मगजमारी करे रेगुलर बैच ले लेके? आज बहुत डीप पढ़ा रहे, देखो नमूना क्या बोलता है, आप ज्यादा डीप में पढ़ा तो समझ में नहीं आता है, और ये ऊपर ऊपर से पढ़ा तो समझ में आ जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ फास्ट। बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलीजेंट लाइट इज वन विद द ग्रेटेस्ट। ठीक है नीरव जी, क्या लिख रहे हो भाई तुम? हाँ नीरव, लास्ट टाइम भी तो बड़ी कमेंट करता था बेटा। ओए खत्म थोड़ी हुआ है, गधे बैठ, पागल हो गया है, पागल हो गया क्या? मैं पानी की बोतल मंगवा रहा हूं, गला सूख रहा है मेरा। हाँ चलिए जी। अभी एक बात मुझे बताओ, एक मिनट बताता हूं। ये ओए यार थोड़ी चलता है ऐसा यार, मुझे एक चीज बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, प्लीज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का ये वाला जो फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास परसेंटेज चेंज पता हो। क्या पता हो? परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज कब पता चलता है? जब हमारे पास दो इनकम स्टेटमेंट है। कितने इनकम स्टेटमेंट है? दो। क्या सभी लोग इस बात से अग्रीड है मुझे बताओ फास्ट, कि जब दो इनकम स्टेटमेंट होंगे तभी जाके पॉसिबल है कि हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो इनकम स्टेटमेंट नहीं होंगे तो हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्या ये बात सबको कनेक्ट हो रही है क्या? एग्जाम में वो कभी दो इनकम स्टेटमेंट देते ही नहीं है, एग्जाम में ऑलवेज एक ही इनकम स्टेटमेंट देते हैं। तो बताओ एक ही इनकम स्टेटमेंट देंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन में एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला आ जाता है? शॉर्टकट फॉर्मूला। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है जरा देख लो,
बेटा ये ना सुन, पहला अभी हो गया, समझ लो ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। अगर फॉर्मूले समझ में आ गए तो टॉपिक तो खत्म ही हो जाएगा ना आपका। यहाँ पे सुनोगे परसेंटेज चेंज, नहीं ओरिजिनल वाला फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ फास्ट। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मैं उसकी फीलिंग कनेक्ट करवा दूंगा, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन तो नहीं दूंगा लेकिन मैं उसकी फीलिंग 100% आपको कनेक्ट करवा दूंगा। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली। मतलब ये जो इसे कहते हैं शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला कहते हैं लायक ध्यान देना प्लीज यार, इसे कौन सा वाला फॉर्मूला कहते हैं शॉर्टकट। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? अरे भाई 100% ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन में कभी भी दो इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल इनकम स्टेटमेंट ही होगा। तो हम फॉर श्योर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन में कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? शॉर्टकट वाला। तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी एंड शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूला ओनली। डेरिवेशन का मतलब समझ में आता है, डिराइव का मतलब समझ में आता है क्या? दही किस में से डिराइव होता है? दूध में से। तो हम कहते हैं दही हैज बीन डिराइव फ्रॉम दूध, मिल्क, करेक्ट ना? हाँ। तो मुझे बताओ कॉमन से अप्लाई करके बताओगे डेरिवेशन टेक्निकली क्या था कि किसी ने किसी का, अगर यहां पे मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स दिया था किसी ने यहां पे, ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स था क्या? तो वहां पे डिफरेंशिएशन आते होंगे, क्या आते होंगे? डिफरेंशिएशन। तो टेक्निकली डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के बेस पे ये फॉर्मूला क्या होता है? डिराइव होता है। क्या होता है? डिराइव। लेकिन क्या मैं यहां पे एलजेब्रा पढ़ाने आया हूं क्या? क्या मैं यहां पे मैथ्स पढ़ाने आया हूं क्या? ना। अच्छा, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मैं उसको याद रखने का तरीका बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? याद रखने का तरीका। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में मुझे बताओ सबसे पहले क्या हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कि नहीं आता है? सिक्वेंस अगर देखोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद क्या आता है? ईबीआईटी, उसके बाद क्या आता है? ईबीटी। अब सुनना, क्या कॉन्ट्री और ईबीआईटी के बीच में क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है कि नहीं होती है? तो कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय क्या कर दो? ईबीआईटी कर दो। तो क्या आपका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? सो सिंपल टू रिमेंबर, सो सिंपल टू रिमेंबर, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? ये मुझे आप एक चीज बताओ, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बन गया क्या आपका यहां पे? और मुझे आप एक चीज बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच में क्या दोनों फिक्स कॉस्ट आती है कि नहीं आती है? तो कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्या ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? खत्म। दिस इज द वे, दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। और फाइनेंस में, फाइनेंस में हाँ, फाइनेंस में ऑलवेज मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, जितना तुम नेचुरल फीलिंग से फॉर्मूला याद रखोगे उतना बेस्ट रहता है। तो अब आप मुझे बताओगे ओरिजिनल वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास दो इनकम स्टेटमेंट दिया होगा तब। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास सिंगल इनकम स्टेटमेंट दिया होगा तब। इज दैट क्लियर टू यू यहां पे? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, ऑलवेज ध्यान रखना, चाहे आप फॉर्मूला कोई भी क्यों ना अप्लाई करो, उसका रिलेशनशिप मत भूलना। क्या मत भूलना? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो ओरिजिनल फॉर्मूला का था वही रहेगा, भले आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हो, लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ है? सेल्स का ईबीआईटी, सेल्स का ईबीआईटी। मतलब फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ है? ईबीआईटी का ईबीटी बोलो, या तो ईबीआईटी का ईपीएस बोलो। क्लियर है क्या? मतलब कंबाइंड लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ है? सेल्स का ईपीएस। मैंने कहा ना, आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो यहां से नहीं आना चाहिए, भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हो लेकिन इंटरप्रिटेशन तो ओरिजिनल फॉर्मूला का ही जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू यहां पे? ये बात समझ में आ गई क्या यहां पे? ये तो वापस एक बार, ओरिजिनल फॉर्मूला कब? जब दो इनकम स्टेटमेंट होगा तब। शॉर्टकट फॉर्मूला कब? जब सिंगल इनकम स्टेटमेंट होगा तब। आपके एग्जाम में 100% सिंगल इनकम स्टेटमेंट ही रहेगा।
करेक्ट है, लेकिन लेकिन जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आप ये वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो, शॉर्टकट फॉर्मूला से, लेकिन इंटरप्रिटेशन रिलेशनशिप किसका रहेगा? ओरिजिनल फॉर्मूला का ही। भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इंटरप्रिटेशन किसका रहेगा? ऑलवेज ओरिजिनल फॉर्मूला का ही। भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इंटरप्रिटेशन किसका रहेगा? ऑलवेज ओरिजिनल फॉर्मूला का ही। इसीलिए इंटरप्रिटेशन कभी भूलना नहीं है। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ? सेल्स का ईबीआईटी के साथ, फाइनेंशियल लिवरेज का ईबीआईटी का ईबीटी बोलो, या तो ईबीआईटी का ईपीएस बोलो, कंबाइंड लिवरेज का सेल्स का ईपीएस के साथ। शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? कंट्री और ईबीआईटी के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग, तो कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट? फाइनेंशियल, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्री और ईबीटी के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट? दोनों दोनों फिक्स कॉस्ट आती है ना, तो कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी। खत्म, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं है? फटाफट बताओगे, धनाधन, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? टकाटक क्लियर है क्या आपका यहां पे? वेरी गुड, सही में सब समझ में आया कि ऐसे? ओके 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 ना, मुझे क्या है बेटा, मैं तो भाई बोल सकता हूं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे भाई समझ में आई कि नहीं आई बात फटाफट बेटा। अभी समझ में आया है तो भाई फटाफट लाइक करोगे, लाइक करोगे, लाइक करोगे? हाँ, जल्दी से। क्या यार चमन, तेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या दोस्त? हाँ जी, एक सेकंड, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या काइंड ऑफ अ प्रॉफिट है? लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। ये भी कमाते हैं, क्या करते हैं? ये भी कमाते हैं, ये भी क्या करते हैं? कमाते हैं। तो अब बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100 नहीं हुआ तो आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे बताओ 1,00,000 रुपये के सेल्स पे हमने अमाउंट फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाया? 20,000। तो क्या उसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बताओ 1,00,000 की सेल्स पे हमने कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में कितना कमाया था? 20,000। तो 100 पे कितना कमाएंगे? 100 पे कितना कमाएंगे? x 100 पे कितना कमाएंगे? x, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इनटू 100। तो क्या हम 20% कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कितना कमाएंगे? 20%। तो ये जो है 20%, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। किसका फॉर्मूला है? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। देखो ना, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में कितना कमाया दोस्तों? 20,000 रुपया। तो बताओ परसेंटेज फॉर्म में कितना कमाया आपने? 20%। लेकिन ये 20% किसका? 20% किसका? सेल्स का। 20% किसका? सेल्स का। तो मुझे बताओ 1,00,000 पे आपने अमाउंट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कितना कमाया था? 20,000। तो 100 पे कितना कमाया? एक्स। तो क्या 20% कमाया कि नहीं कमाया? लेकिन इसको कंप्लीट करना होता है दोस्तों। ये 20% किसका होता है? सेल्स का। किसका होता है? सेल्स का। तो सेल्स को 20% से मल्टीप्लाई करो तो क्या आपको 20,000 क्या अमाउंट फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरा चेक कर लो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा जरा चेक कर लीजिए। तो आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या ये 20,000 क्या आपका अमाउंट फॉर्म वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, और क्या ये आपका सेल्स है कि नहीं है? तो बताओ कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम है पीवी रेशियो। कौन सा नाम है? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कौन सा रेशियो कहते हैं उसे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो देखो ना, फॉर्मूला याद रखने का कितना आसान सा तरीका, कितना आसान सा तरीका। सर इसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों कहते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों कहते हैं? मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में कितना था? 20,000। सेल्स अमाउंट फॉर्म में कितना था? 1,00,000 रुपया। क्या ये कंट्रीब्यूशन काइंड ऑफ अ प्रॉफिट है कि नहीं है? यस। और सेल्स को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में हमने चीजों को बेचा, तो सेल्स को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो क्या ये पी डिवाइड बाय वी बनेगा कि नहीं बनेगा यहां पर? इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का एक और अच्छा सा नाम क्या है? पीवी रेशियो। एक और अच्छा सा नाम क्या है? पीवी रेशियो। बताओ देखो, अभी देखो इसको याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का तरीका। मुझे बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बताओ कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। खत्म, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स।
अच्छा, हमने परसेंटेज फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? 20%। इसका मतलब क्या होता है? हमने 100 में से कितना कमाया? 20 रुपया कंट्रीब्यूशन कमाया। तो बताओ बाकी का 80 रुपया कहां पे चला गया होगा? देखो ना यहां पे, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट में गया होगा कि नहीं गया होगा? तीन ही आइटम है यहां पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्ट्री। तो मुझे बताओ 100 में से कितना कमाया? 20 रुपया। क्या कमाया? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बाकी का 80 रुपया क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट में चला गया होगा कि नहीं चला गया होगा? अरे हेलो, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो मुझे बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट, क्या अमाउंट फॉर्म में क्या आपका 80,000 है कि नहीं है? सेल्स कितना है? 1 लाख है कि नहीं है? तो मुझे बताओ ये 80% आएगा, लेकिन 80% किसका आएगा? सेल्स का। तो चेक कर लो, सेल्स का 80% कैलकुलेट करो तो क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए। नहीं समझे मेरी बात? तो मेरी हाँ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मुझे आप एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 80%। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कितना है? 30% है, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 70%। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो 10% है तो ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 90%। ये 25% है तो ये कितना होगा? 75%। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या ये देखो कितने रेशियो, क्या ये तीनों तीन रेशियो समझ में आए क्या? तो बोलोगे जीपी रेशियो का फॉर्मूला, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। कितने रेशियोज हो गए देखो, समझते कितने रेशियोज हो गए? नहीं, बिगनिंग से रिकलेक्ट करवाता हूं। सबसे पहले जीपी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, एक और नाम उसका पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, आरओआई, आरओई, ईपीएस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ये भी तो एक रेशियो है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ये भी तो एक रेशियो है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ये भी तो एक रेशियो है। बताओ कितने रेशियो हो गए? 10 रेशियो हो गए कि नहीं हो गए? मुझे बताओ फास्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई, फटाफट बताओगे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? कल डेट कौन सी है? 20 तारीख है। थोड़ा और पढ़ ले क्या? हाँ हो गया क्या? अबे ए पागल बनकर कूदी मारनी क्या तेरे को? हाँ सी फॉर क्लियर विदाउट एनी सी फॉर कंफ्यूजन। ओहो वेरी गुड, गुज गई सर। बताइए पढ़ना है क्या? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बताओ फटाफट। बच्चे बोल रहे नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है, लेकिन कल कल तकरीबन आपको मुझे 1 आवर 45 मिनट देना पड़ेगा ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो कल ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बट यू नीड टू गिव मी एटलीस्ट, हाँ कितना देना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 आवर 45 मिनट्स। जैसे ये टॉपिक कल मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ओए कल मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, टुमारो बी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, करेक्ट है? और क्वेश्चन सॉल्व करने, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, टॉपिक के साथ साथ ही मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा, टॉपिक के साथ साथ ही मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा, करेक्ट है? तो दोस्तों कल 1 आवर 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, एमसीक्यू के साथ उसको उड़ा दूंगा, एमसीक्यू के साथ उसको उड़ा दूंगा। हाँ नहीं नहीं एमसीक्यू मैंने तैयार करके रखा है, तो तुम लोगों को कुछ लाना नहीं है, तो एमसीक्यू मेरे पास रेडी है, करेक्ट है? तो एमसीक्यू मेरे पास जो उसके से करवाऊंगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लाइक करके जाओगे भाई इतना? अगर हम पढ़ाते हैं एफर्ट्स लेते हैं तो एक कमेंट तो बनती है कि नहीं बनती है यहाँ पे? तो एक कमेंट करोगे भाई, एक कमेंट करोगे ताकि यूट्यूब पे हमें प्रमोशन मिले? कल वाले लेक्चर पे जाके भी कमेंट करोगे दोस्तों, ठीक है ना? तो प्लीज, हाँ करेक्ट है, तो प्लीज कमेंट करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे, प्लीज कमेंट करके, अदरवाइज कल से लेक्चर लेना बंद कर दूंगा, करेक्ट है? मिलते हैं कल सेम टाइम सेम स्टेशन एट 5:30 शार्प, 5:30 शार्प। मैं थियरी एमसीक्यूज के थ्रू करवाऊंगा, एमसीक्यूज के थ्रू थियरी करवाऊंगा, और ये सब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, थियरी तो बोल रहा हूँ।
क्या?